प्रणाम, मैं हूँ प्रतिभा सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में, हमारे चैनल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी स्कूल नहीं है तो न डेट याद है न डे याद है कौन सा दिन है कौन सा है। अभी दो दिन में इन लोगों का स्कूल खुलने वाला है। आज क्या है? आज मंडे 8। आज है मंडे 8 तारीख और स्कूल इन लोगों का दो दिन में खुलने वाला है। उसी का तैयारी चल रहा है, जिससे भी अभी बात हो रही है क्या कर रहे हो, वही यूनिफॉर्म का टेंशन है, वही शूज का टेंशन है, बैग, क्योंकि 18 महीने से ज्यादा हो गए स्कूल बंद होके। और किसी का छोटा हो गया तो किसी का पुराना हो गया था, या किसी को लग रहा था कि अभी तो पता नहीं स्कूल कब खुलेगा, कैसे है तो रख के क्या करें, तो बहुत कुछ ऐसे ऐसे है, सबका अलग अलग प्रॉब्लम। तो मोस्टली यूनिफॉर्म लोगों के पास नहीं है ना, शुरू नहीं यूनिफॉर्म है तो तुम तमिल लेके जाओ, पहले नहा के निकलो जल्दी से, ब्रश करके जल्दी से तुम पहले आ जाओ, अपना कलर लेके बैठो, ट्यूशन जाने से पहले उसको क्लियर करो। रात 9 बज गया है, 10:30 बजे निकलना है। सोप लेके जाओ बेटा, बाबू सोप लेके जाओ। हाँ गरम है, तो यही सब है। अभी दो दिन में स्कूल इतने दिन बाद खुल रहा है बच्चों का जो है, और अभी बहुत ही नया नया सब लग रहा है, बट एक अलग है एक कि स्कूल जाना है। अभी देखेंगे फर्स्ट डे कैसा लगता है। और अभी मेरा थोड़ा काम हुआ, थोड़ा अभी बाकी है। मेरे जेठ को ठीक नहीं है, शायद से वो आएंगे, वो आएंगे तो 2-3 दिन रहेंगे, क्योंकि उनको ठीक नहीं है और वो अकेले रहते हैं, मीन्स अभी फैमिली जो है गांव में है, तो इसलिए उनको ठीक नहीं है। तो हम लोग बोले कि आप यहीं पे आ जाइए और रुकिए जब तक कि आराम नहीं होता है उनको, थोड़ा ये है नहीं नहीं हमारा काम है, क्योंकि वहाँ पे वो रहते हैं, उनका काम जो है बॉम्बे में है, तो इसलिए उनको यहाँ से दूर पड़ता है, ट्रेन चेंज करना पड़ता है, यही सब कुछ तो है, देखते हैं। और अभी तो दिवाली का यही है आना जाना, कोई अपने इधर आ रहा है, कभी हम किसी के इधर जा रहे हैं। और अभी जो है इन लोगों का दिवाली वैकेशन जो है अभी 2 दिन और है, आज 8 है 9 10, 2 दिन तक है। 11 तारीख से स्कूल है, सुबह सुबह स्कूल है। पहले ये लोग का पहले दोपहर में रहता था तो ये लोग 12:30 बजे जाते थे, अभी सुबह 7 बजे का स्कूल रहता है रहेगा 5th से, तो उस हिसाब से जाना पड़ेगा। बट फर्स्ट डे जो है 8:30 टाइमिंग बोला है, थोड़ा लेट ही बोला है, देखते हैं। और नित्या अभी सो रही है, बहुत अच्छा
क्या बना रही है और इतनी खुशबू तो चिकन जैसा आ रहा है लेकिन पता भी नहीं क्या बना रही है। देखिए नहीं बना मतलब पिंक कलर का वेस्ट बन रहा है, पर्पल दिख रहा है यहाँ पर ऊपर इसमें पिंक तो बड़ा बना रही हूँ बटाटा बड़ा और डोसा। लेकिन डैडी ने तो बड़ा भी नहीं रहा था बाबू। आओ बेटा लो फटाक से नाश्ता लो। और कितने अच्छे से बना रहा है मॉडल तो कुछ भी पता नहीं कौन ब्लॉग बना रहा है। मम्मी मन खराब हो गया मेरा। बात करो नहीं नमस्ते प्रणाम आपका राजपूती सजा है बाबू। वहां से डोसा पलटने वाले को छोटे छोटे उसमें दिख रहा, मेरा मुंडी छोटा दिख रहा है लेकिन जब मैं अभी अभी जाता कवर्ड में देखती हूँ तभी मेरा मुंडी इतना बड़ा दिखता है। वहाँ लाइट ऑफ करके आओ बेडरूम का और टेरेस। अरे हाँ हमारी महारानी खाना बना रही है ट्विटर। बाबू लाइट ऑफ करके कैसे हैं आप सब? सुबह मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था बट अचानक से कुछ फ्रेंड्स आ गए घर पे, सरप्राइज दिया उन लोगों ने, बताया नहीं था, ब्लॉग नहीं बीच में नहीं बना पाई, टाइम कैसे निकल गया पता भी नहीं चला। और 7 बजने जा रहा है अभी, शाम हो गई और अभी मैं रात का खाना बना रही हूँ, लेट हो गया सब काम लेट हो गया थोड़ा। अभी मैं डोसा बना रही हूँ और दिखाती हूँ आपको मेरा डोसा। ये है मेरा डोसा। अभी पहले राज को दूंगी खाना और नित्य को। दोपहर में इतना कुछ हैवी नहीं हुआ है खाना, सुबह में तो डोसा और सुबह में नाश्ते में डोसा और नारियल की चटनी यही बने थे। फिर दोपहर में जो है जब कुछ फ्रेंड्स आ गए तो क्या बनाओ तो मूड हुआ कि चलो वड़ा पाव बनाते हैं, तो दोपहर में वड़ा पाव बनाए थे तो अच्छा बन गया था, खाए सब लोग। और इस टाइम मैं वापस से अभी जो है चना मिक्स भाजी और डोसा। और जैसे मेरे घर पर मेहमान आए थे
और ये खा रहे हैं। कैसे हैं आप सब? आज कुछ भी काम नहीं हुआ, ना ब्लॉग बन पाया और ना ही कोई गाना, ना ही वीडियो, कुछ भी नहीं बन पाया। सब का ऐसे ही रह गया, क्योंकि जब कुछ फ्रेंड्स जो इकट्ठा होते हैं तो उसके बाद कुछ काम या नहीं हो पाता है। गपशप में ही पूरा दिन निकल गया और पता नहीं चला कैसे टाइम बीत गया। और और कल्पना आंटी, कविता आंटी सब लोग आए थे, बहुत अच्छा लगा। सभी लोग आए थे, बहुत अच्छा लगा। और सब कुछ अच्छे अच्छे से गया। मम्मी ने वड़ा पाव बनाया, बहुत अच्छा था सबको। बहुत नित्य फोन ना करो, मत करो। और एक और आई थी मेरी फ्रेंड अनुश्री और मेरी एक आंटी शशि टीचर और आंटी नहीं। और मम्मी डोसा बना रही है और मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, मन कर रहा है ताकि खा लूंगी, लेकिन अभी थोड़ा बनने में टाइम लगेगा। और दोस्तों वही मैं सोच रही थी कि मैं घर पर आई हूं, मैं कब से सोच रही थी कि टीचर कब आएगी, आएगी कभी, आई कभी नहीं थी। टाइम का पता ही नहीं चला, बहुत जल्दी जल्दी से टाइम निकल गया। और बहुत अच्छा लगा, सब लोग आए, सब ने अच्छे से खाया। फिर सब लोग चले गए अभी कुछ देर पहले, तो हमको थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो फिर एक चपली, क्या बोलते हैं कुछ तो बोलता है, वो चपली टाइप है, वो खाया। फिर एक पता नहीं टीचर ने क्या था, मैंने गोल जैसा कुछ, वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा मुझे। और वो चपली भी बहुत अच्छा लगा, वो पता नहीं नाम बताए, लेकिन बहुत अच्छा था। ऐसा 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 गोल गोल था, बहुत अच्छा था। मम्मी बहुत टेस्टी था, देखिए। चलिए इन लोगों को खाना खिलाते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत भूखे हैं। फिर मिलते हैं। चलो अंदर आओ, बंद करो, वहां सब बंद करके आओ बेटा।
छोड़ के हम अपनों को सपनों में खो जाए। जो प्रसाद खाओ खाए का और खा जो भैया को दिया नहीं खाया नहीं खाया कपड़ा नहीं निकाला था कपड़ा घड़ी नहीं किया था अभी वो करके सबका अलग अलग रख दिया जिसका जहाँ पे है और हस्बैंड आ रहे हैं तो उनका जो है डोसा अभी खड़े होने को नहीं हो रहा है क्योंकि और भी कुछ काम है अभी तो ये डोसा बना के मैं रख दूंगी टिफिन में फिर आएंगे तो खाएंगे क्योंकि अभी रुकने को बिल्कुल भी नहीं हो रहा पैर बहुत दर्द हो रहा है कमर बहुत दर्द हो रहा है। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा फिर हो जाएगा तो अच्छा नहीं है और जाके फिर मैं ब्लॉग को एडिट करती हूँ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। चलिए बाय गुड नाइट।